जब कोई भी इबादत करते हैं हम वैसे तो रोजे की बस मंजर में ये बात कर रहे हैं लेकिन हर इबादत पे इसका इतलाक होता है कि हर इबादत से पहले दो तरह की नीयतें हमको करनी होती हैं हर इबादत से पहले और रोजे से पहले भी हमको दो तरह की नीयतें करनी है पहली नीयत जिसको कहते हैं नीयतुल मामूली लहू नीयतुल मामूली लहू मामूल मतलब काम किया जा रहा है किसके लिए काम किया जा रहा है जो भी आप काम करने जा रहे हैं जो भी आप अमल करने जा रहे हैं आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं आप रोजा रखने वाले हैं आप हज करने वाले हैं आप उमरा करने वाले हैं मामूल लहू ये काम आप किसके लिए कर रहे हैं आपको क्या नीयत करनी है इसमें कि यह काम मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं आपको नीयत में आपकी बात होनी चाहिए कि मैं जो रोजा रख रहा हूं वो लोगों की रजा हासिल करने के लिए नहीं रख रहा हूं वो रोजेदार कहलाने के लिए नहीं रख रहा हूं या लोगों के तानो तशनी से बचने के लिए नहीं रख रहा हूं ये रोजा मैं अल्लाह के लिए रख रहा हूं तो मामूल नीयतुलम कोई हर इबादत में ये नीयत होनी चाहिए कि मैं ये अमल किसके लिए कर रहा हूं अल्लाह के लिए नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूं हज अल्लाह के लिए कर रहा हूं उमरा अल्लाह के लिए कर रहा हूं रोजा भी अल्लाह के लिए रख रहा हूं तो रोजे में अपनी नीयत को खालिस करना है कि ना तो दो तरह की गलतियां होती हैं नीयतों में यानी रियाकारी जो है वो दो रास्तों से आती है कभी बंदा रोजादार कहलाने के लिए लोगों की नजर में अपनी इमेज अच्छी करने के लिए रोजा रख रहा होता है अपनी इमेज बुलंद करने के लिए रोजा रख रहा होता है अपनी छवि अच्छी करने के लिए रोजा रखता है कि लोग मुझे रोजेदार समझें, इसलिए मैं रोजा रख रहा हूं कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदे को अपनी नीयत जो है अपना अपने किरदार को अपनी छवि को अच्छा करना मकसूद नहीं होता बल्कि लोगों की तानो तशनी से बचना होता है लोग आदमी ये सोच रहा होता है कि अगर मैं रोजा नहीं रखूंगा छोटे छोटे बच्चे रोजा रखते हैं मेरे पूरे घर वाले रोजा रखते हैं मैं नहीं रोजा रखूंगा तो लोग मुझे रोजा खोर कहेंगे तो लोगों के तानों से बचने के लिए रोजा रख रहे हैं ये हमारे रोजे के पीछे मकसद नहीं होना चाहिए खालसत वजह्ला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए मैं रोजा रख रहा हूं तो पहली नीयत रोजे में क्या करनी है कि मेरा रोजा अल्लाह के लिए मेरा रोजा कोई कल्चरल रोजा नहीं है कि बस कल्चर में क्योंकि हमारे सब रोजा रखते हैं इसलिए हम रोजा रख रहे हैं दूसरी नीयत हमको करनी है नीयत उलमल अमल की नीयत करनी है कि हम अमल कौन सा करने जा रहे हैं यानी रमजान के रोजे रखने जा रहे हैं या नफली रोजे रखने जा रहे हैं या कजा के रोजे रखने जा रहे हैं कफ़ारे के रोजे रखने जा रहे हैं जो रोजा रख रहे हैं वो फर्ज है या नफिल है तो अमल की नीयत करना देखिए अमल की नीयत का फायदा क्या होता है अमल की नीयत का मकसद होता है दो दो चीजों से जो है ना नीयत दो चीजों को दो दो फायदे उसके होते हैं नीयत का पहला फायदा ये होता है कि नीयत जो है वो इबादत को आदत से अलग कर देती है उल्मा इसको कहते हैं तमईज उल इबादा तमईज उल इबादा अनिल आदा कि एक काम आदमी आदतन करता है और एक इबादतन करता है तो ये काम वो यूजुअली कर रहा है या वो बतौर इबादत कर रहा है इसमें फर्क कैसे होगा नीयत से होगा मसलन आप देखिए हम लोग रोज नहाते हैं कभी नजाफत के लिए नहाते हैं कभी और मकसद से नहाते हैं तो एक होता है कि आप जो है वो नजाफत के मकसद से नहा रहे हैं तो वो आदत है, आप आदत है नहा है और एक नीयत ये हो जाती है कि मैं ये जो नहा रहा हूं वो हौसले जनाबत है पाकि हासिल करने की नीयत से नहा रहा हूं तो वो जो आदत है वो इबादत बन जाती है वरना जो है गुस्ल में कोई फर्क नहीं होता है तो रोजे का एक फायदा ये होता है कि आदत जो है वो इबादत से अलग हो जाती है एक और मिसाल अच्छे से मैं आपको समझाता हूं रोजे के हवाले से कि बहुत सारे लोग वैसे भी फजर के बाद भूखे रहते हैं और शायद पूरा दिन काम में लगे रहे तो मगरी तक भूखे रह जाए तो भूखा रहना कोई इबादत नहीं है आप जब यह नीयत कर लेते हैं कि ये भूख अल्लाह के लिए है तो अब ये जो भूख एक आदत थी वो इबादत बन गई असलन भूखा रहना कोई इबादत नहीं है पर जब आप सोच लेते हैं कि ये भूख अल्लाह ताला के लिए तो भूख क्या है वो इबादत बन जाती है ऐसे जानवर आप जबा करते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग काफी लोग भी जानवर जबा करते हैं पर जब जानवर जबा करते हुए आप इबादत की नियत कर लेते हैं तो जानवर जबा करना जो एक आदत है यूजल काम है एक नॉर्मल काम है कैजुअल काम है वो जो है वो जो है वो एक आदत बन जाता है वो इबादत बन जाता है कि ये कुर्बानी बन गई आप नियत नहीं करते तो वो जबा होती आपने नियत कर लिया तो कुर्बानी बन गई तो नियत का पहला फायदा क्या होता है आदत को एक जो आदमी आदतन काम कर रहा है उसको इबादत से अलग करना तो आपने पहले तो इबादत की नियत कर ली कि ये जो मेरा भू मेरी फजर के बाद जो मैं भूखा रहूंगा ये बस ऐसे ही भूखा नहीं रह रहा मैं यूजुअली भूखा नहीं रह रहा मैं इबादत की नियत से भूखा रह रहा हूं इबादत की नियत है मेरी तो पहले आपको क्या करना है इबादत की नियत अच्छा अब इबादत भी एक दर्जे की नहीं होती इबादत भी एक किस्म की नहीं होती इबादत भी मुख्तलिफ अकसाम की होती है तो नीयत का दूसरा क्या फायदा होता है तमीजो मरा तिबिला इबादत यानी इबादत का मरतबा तय होता है आपकी नीयत से कि ये किस दर्जे की इबादत है ये कौन सी टाइप की इबादत है मतलब रोजा जो है वो आपका कजा का भी रोजा हो सकता है कफारे का भी रोजा हो सकता है नजर का भी रोजा हो सकता है वाजिब रोजा भी हो सकता है मुस्तहब रोजा भी हो सकता है ये कौन सा रोजा आप रखने जा रहे हैं जाहिर सी बात है रोजा सब एक ही तरह होगा नफली रोजा भी वैसे ही होता है जैसे फर्ज रोजा होता है कफारे का भी रोजा वैसा ही होता है कजा का भी रोजा वैसा ही होता है फर्क की कौन सी चीज है जो आपके रोजे को में फर्क करती है वो है आपकी नीयत कि आपने नीयत क्या की थी आप जो है वो नफिल की नीयत से आप रोजा रख रहे हैं या फर्ज की नीयत से रोजा रख रहे हैं रमज़ान की नीयत से रोजा रख रहे हैं गैर रमजान की नीयत से रोजा रख रहे हैं आपकी नीयत से ही इबादतों में फर्क होता है वरना इबादत की अपनी जाहरी हालत में सारे रोजे की तरह के होते हैं नफली रोजे भी वैसे ही होते हैं जैसे फर्ज रोजे होते हैं और कजा के रोजे होते हैं जैसे फारे के रोजे होते हैं तो इबादत के जो अलग अलग अकसाम है उसमें जब आपकी नीयत में आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि मैं ये रमज़ान के फर्ज रोजे रखने जा रहा हूँ आपके जहन में ये बात होती है आपके दिल में यह बात होती है तो ये इबादतों में फर्क हो जाता है तो मैंने क्या बताया आपको कि इबादत का मतलब होता है इरादा करना अजम करना कसद करना और उसमें आपको दो काम करने हैं पहला क्या अल्लाह के लिए आप रोजा रख रहे हैं और दूसरा अमल की नीयत करना है अमल की नीयत में क्या है दो चीजें हैं पहला यह है कि आदतन मैं भूखा नहीं रहना हूं बल्कि मैं इबादत की नीयत से भूखा रह रहा हूं और इबादत में कौन सी इबादत वो आपको तय करनी है कि ये जो मेरी इबादत है ये रमजान के फर्ज रोजों की इबादत है अब जब रमजान की आप अच्छा नीयत का नीयत कहां होती है नीयत होती है दिल के अंदर उलमा ने मुस्तकिल इस बारे में लिखा है कि नीयत का महल क्या है दिल है तो नीयत कहां से करनी है नीयत दिल से करनी है जबान से नहीं करनी लोग बोलते हैं जबान से नीयत करना ये शरीयत को जाने दें ये लफ्ज लफ्जब से नीयत करना ये जुमला ही गलत है ये जुमला ही गलत है क्योंकि नीयत जबान से हो ही नहीं सकती है नीयत तो दिल के अंदर होती है जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने कान से कहा बोलेंगे कान से कहा क्या होता है कहने के लिए तो अल्लाह ने जबान दी है कान से नहीं कहा जा सकता ये बिल्कुल वैसा ही लव्ज है ऐसे ही जबान नीयत करने की चीज नहीं है नीयत कहाँ होती है नीयत दिल के अंदर होती है जबान से तो कहा जाता है नीयत जो है वो दिल के अंदर होती है तो नीयत की जगह क्या है दिल तो है ऐसे ही तो और वीडियो बनाने में हमारी मदद करें